भारत और चीन के बीच गैर चिन्हित सीमा पर उत्तर सिक्किम और लद्दाख के पास कई इलाकों में तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्ष वहां अतिरिक्त बलों की तैनाती कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के क्षेत्र में चीनी सैनिकों का मूवमेंट बढ़ा है। भारत ने भी डैमचेक, दौलत बेगोल्डी, गलवान नदी और लद्दाख में पैंगोंग सो झील के पास संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले चार महीने में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एलएसी के पार 170 चीनी मूवमेंट देखे गए। अकेले लद्दाख में 130 मूवमेंट हुए, तो वहीं 2019 में इसी अवधि के दौरान लद्दाख में ऐसे सिर्फ 110 मूवमेंट देखे गए थे। साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बिश्केक और महाबलीपुरम में मिले थे, उस दौरान लद्दाख में भी चीनी सैनिकों के मूवमेंट में 75% की वृद्धि हुई थी। तो वहीं साल 2018 में एलएसी के पार 284 मूवमेंट देखे गए। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।